आज हम इस तरीके से पुराने दुपट्टे होते हैं हमारे पास प्रिंटेड, पुरानी साड़ी हो आपके पास, इस तरीके से कोई भी पुराना कुर्ता हो, पुराना सूट हो, पुरानी सलवार हो, उसमें से हम बहुत ही सुंदर मैट बनाना सीखेंगे और वो भी बहुत ही आसान तरीके से हम इसे बनाएंगे। हम इसमें कोई भी क्रोशिया वगैरह, सिलाई मशीन वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, कोई ग्लू यूज़ नहीं करेंगे, बहुत ही ईजी तरीके से हम इसे बनाएंगे। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। से जो भी आपके पास पुराने कपड़े हों, इस तरीके से पुराना सूट हो, कोई पुराना दुपट्टा हो, पुरानी साड़ी हो, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह का कपड़ा हो आप इस मैट में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस भी कपड़े में से आपने बनाना है उसमें से इस तरीके से आपको स्ट्रिप कटिंग कर 3.5 इंच, तो 3.5 इंच की मैंने इस तरीके से स्ट्रिप्स कटिंग कर ली। आप साड़ी में से बना रहे हैं तो साड़ी में से भी आपको इस तरीके से लंबी लंबी स्ट्रिप्स कटिंग करनी है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इस तरीके की स्ट्रिप्स कटिंग करने के बाद हमें क्या करना है, पहली कोई भी स्ट्रिप जितनी भी लंबी है आपके पास, इस तरीके से उसे सेंटर में लेना है। अगर आपने साड़ी में से, सूट में से या दुपट्टे में से लिया है, इस तरीके से सेंटर लेना है आपको। सेंटर लेने के बाद सिंपल इस पर हम जैसे नॉट लगाते हैं, सिंपल मैंने इस पर नॉट लगा दिया, सिंपल जैसे राउंड में हम नॉट लगाते हैं वैसे नॉट लगा दिए। बस नॉट को टाइट नहीं करना है, इसे थोड़ा सा इस तरीके से हल्का सा लूज रखना है, इस तरीके से हल्का सा लूज रखना है। इस वाले एंड को ऐसे ही रहने दीजिए और ये जो दूसरा वाला एंड है यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा लीजिए, इस तरीके से। कोई भी आपके पास सेफ्टी पिन पड़ी है उसे इस तरीके से लगा लीजिए। अब हमें क्या करना है, ये जो छोटा सा हमने राउंड बनाया इसे थोड़ा टाइट कर लेते हैं, थोड़ा छोटा बनाते हैं इस तरीके से। अब इस राउंड में हमें नॉट लगानी है। नॉट कैसे लगानी है, देखिए ऐसे रखना है, ऐसे रखना है कपड़े को, इसके बीच में से निकलना चाहिए 1, फिर इसके ऊपर से 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, थोड़ा सा टाइट कर देती हूँ मैं, और 8, 9 और 10। तो मैंने कितनी नॉट्स लगाई इसमें, 10। कुछ इस तरीके से मेरा सर्कल बन गया। सर्कल को थोड़ा सा मैं टाइट कर लेती हूँ यहाँ से, ये वाला दूसरे वाला धागा खींच के जो नॉट वाला था। सबसे पहले आपको इस तरीके से इसमें 10 नॉट्स लगाने। अब यहाँ पे मेरा ख़त्म हो गया, ये लंबा है तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए। ये वाला ख़त्म हो गया तो इसमें मैं एक और जॉइन कर लेती हूँ। तो एक और लंबी स्ट्रिप ली और इसके साथ इस तरीके से सिलाई मशीन से या सुई धागे से, देखिए मैंने इसे सुई धागे से सिल लिया। आप चाहे तो सिलाई मशीन से सिल लीजिए, ये मैंने इसे सुई धागे से हल्का सा टक, तो ये मेरा जॉइन हो गया। अब इसका जो एंड है, इस स्ट्रिप्स का एंड है, यहाँ पे दोबारा से सेफ्टी पिन को लगा दीजिए इस तरीके से, सेफ्टी पिन लगा ली। तो ये मेरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। इस फर्स्ट राउंड में मैंने 10 बनाए। अब हम सेकंड राउंड बनाएंगे। तो सेकंड राउंड बनाते हुए हमें ये इसके बीच में रखना है इस तरीके से, और ऐसे ही हम इसमें चलेंगे, इसको ऐसे कर देना है। और यहाँ पे जो हमने फर्स्ट वाला बनाया था, जो फर्स्ट, ये देखिए जो ऐसे बनाए हुए हैं, ये वाले जैसे, ये है 1, 2, 3, 4, इसके बीच में से अब हमें निकालना है। तो जो हमने फर्स्ट वाला बनाया था उसके बीच में से हम इसे निकालेंगे,
तो हम फर्स्ट वाले के बीच में से निकालेंगे। ये है हमारा फर्स्ट वाला, इसमें से निकालेंगे। इसमें निकालते हुए हमें ये वाला धागा इसके साथ रखना है, ये वाला ऐसे रखा, इसके बीच में से इसे निकाल दीजिए और नॉट लगा दीजिए। 1, उसी नॉट में से एक बार और, ये मैं सेकंड रो बना रही हूँ। 2, और जहाँ से मैंने सेकंड रो शुरू की है यहाँ पे मैं इसके सेफ्टी पिन लगा दूँगी ताकि मुझे याद रहे कि मैंने कहाँ से शुरू किया है। इस तरीके से सेफ्टी पिन लगा के छोड़ दीजिए। तो मैंने एक नॉट में 2 नॉट लगाई, आगे हमें फिर ऐसी करना है, एक नॉट में 2 नॉट लगानी है। ये मैं सेकंड रो बना रही हूँ। सेकंड रो हमें इसी तरीके से बनानी है, एक नॉट में इसको धागे, ये वाले कपड़े को ऐसे ही रखते रहना है और नेक्स्ट वाले में से 2 नॉट लगानी है आपको। 1, और इसी में से मैं एक और नॉट लगाऊंगी, इसी में से दोबारा निकालना है और सेकेंड नॉट, 2 नॉट, इस तरीके से एक में से 2 नॉट, फिर एक में से 2 नॉट, और फिर इसे ऐसे ही घुमाते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आपको कंप्लीट करनी है। इस रो को पूरा ऐसे इसी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट वाला सेम, इसको ऐसे ही रखना है जो ये वाला हमारा दूसरा कपड़ा आ रहा है, और इसके बीच में से इसे 2 बार निकाल। वन, और इसी में से अब दोबारा से निकाल, टू, इस तरीके से। बस इसे कंप्लीट करते हुए यहाँ जहाँ तक हमने सेफ्टी पिन लगाई है यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लीजिए। एक में 2 नॉट, मैंने सेफ्टी पिन लगाई थी यहाँ पे, यहाँ तक मैं वापस आ गई। अब 2 मिनट सेफ्टी पिन निकाल लेती हूँ, और इसमें भी मैं ये मैंने सेफ्टी पिन को निकाल लिया इस तरीके से। तो ये मेरी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। अब हम थर्ड रो बनाएंगे। पहले मैं इसके बीच में से निकाल लेती हूँ लास्ट वाला जहाँ हमने सेफ्टी पिन लगाई थी, इस तरीके से, और यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा दी मैंने दोबारा से ताकि मुझे याद रहे कि हमारी थर्ड रो कहाँ से शुरू हो रही है। फर्स्ट रो बन गई, सेकेंड रो बन गई, अब थर्ड रो बनाते हैं। थर्ड रो में आपको सिंगल नॉट लगानी है, इसे ऐसे ही रखते रहना है, इसे आगे ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना है, साथ साथ लेते रहना है। और जहाँ पे ये वाला ख़त्म हो जाए इसके साथ ज्वाइन कर लेना है, और जहाँ ये वाला ख़त्म हो जाए इसके साथ ज्वाइन कर लेना है। तो ये हमने ऐसे रखा, और हर एक 1-1 नॉट में अब हमें 1-1 नॉट लगानी है। 1, फिर नेक्स्ट जो ये वाला है ऊपर वाला, इस तरीके से हमारा बनता है, देखिए इसमें हमें नॉट लगानी है। तो ये मैंने ऐसे रखा, इसके बीच में से निकाला सिंपली आराम से और नॉट लगा दी। अब मैं सिंगल नॉट में सिंगल नॉट लगा रही हूँ, इस तरीके से इसको रखते रहिए आगे, और सिंगल नॉट में ध्यान से, कोई भी आपका छूटना नहीं चाहिए बीच में, नहीं तो उसकी शेप ठीक नहीं आएगी, इस तरीके से। ये देखिए, बस इसी तरीके से इस रो को कंप्लीट करके कहाँ तक आना है आपको, वापस यहाँ तक जहाँ तक हमने ये सेफ्टी पिन लगाई है, कंप्लीट कर ली। जहाँ मैंने सेफ्टी पिन लगाया था, जहाँ से शुरू की थी वहाँ तक ही मैं आ गई। तो थर्ड कंप्लीट हो गई, अब हम फोर्थ रो बनाएंगे। फोर्थ रो में भी सेम आपको करना है, एक नॉट में एक करना है, कोई भी घटाना नहीं है, कोई भी बढ़ाना नहीं है। दोबारा से मैं यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा देती हूँ जहाँ से मैं शुरू करूँगी, इस तरीके से। यहाँ पे मेरा ख़त्म हुआ था तो मैंने और ज्वाइन कर लिया। तो इस रो में, इस वाली स्ट्रिप में ख़त्म होता है तो यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, ये वाली आपकी स्ट्रिप में ख़त्म होता है तो यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। तो अब फोर्थ रो शुरू करते हैं हम। सेम इसको इस तरीके से रखना है, और ये जो ऊपर वाला है इसके बीच में से हम इसे निकाल देंगे और नॉट लगा देंगे। ये मैंने नॉट लगा दिया। अब सेम आगे इसी तरीके से करना है हमें। फोर्थ रो में कर रही हूँ ये,
ये नॉट लगा दी, सिंपल नॉट लगाते रहना। फिर नेक्स्ट इस तरीके से, तो ये मेरी फोर्थ रो बन रही है। फोर्थ रो भी कंप्लीट करके आपको यहाँ तक वापस आना है। तो मेरी ये रो कंप्लीट होगी। अब हम आगे नेक्स्ट फिफ्थ रो बनाते हैं। नेक्स्ट रो में भी आपको क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना है, सेम इसी तरीके से वन नॉट में वन नॉट लगानी है। सिक्स्थ रो में हम इसे डबल नॉट में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी फिफ्थ रो भी आपको सेम इसी तरीके से बनानी है। बस इसे घुमाते रहिए। ये मैं फिफ्थ रो बना रही हूँ इस तरीके से। फिर इसके बीच में से इसे ऐसे ही रखना है और इस तरीके से बनाती रही। फिर नेक्स्ट इसे कंप्लीट करते हुए यहाँ तक इसे कंप्लीट करें। ये देखिए यहाँ तक जहाँ मैंने सेफ्टी पिन लगाई थी वहाँ मैंने लास्ट नॉट लगा के इसे फिनिश कर लिया। अब यहाँ से मुझे कलर चेंज करना है, तो यहाँ से मैं दोनों इनको ये मैंने कट कर दिए। एक पीस मैं इसके साथ ज्वाइन कर लूँगी और एक मैं इसके साथ ज्वाइन कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने लिया। आपके पास अगर आप दुपट्टे यूज़ कर रहे हैं और दूसरे कलर का दुपट्टा इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ऐसे ज्वाइन करना है। अब इसके साथ इसे ज्वाइन कर दूंगी सुई और धागे से और इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मैंने इसे कट कर दिया था और अब इसे मैं सुई और धागे से ज्वाइन कर दूंगी, एक यहाँ पे और ऐसे ही एक स्ट्रिप में यहाँ पे ज्वाइन कर दूँगी। ये देखिए एक मैंने इसके साथ ज्वाइन कर ली, एक इसके साथ ज्वाइन कर ली। अब यहाँ वाले के साथ ये तो हमारा साइड में इस तरीके से राउंड में घूमेगा, इसके साथ मैं सेफ्टी पिन लगा दूँगी। अब हम सिक्स्थ रो बना रहे हैं। सिक्स्थ रो हमारी कैसी बनेगी, जैसे हमारी सेकंड रो बनी है। यहाँ एक नॉट में हमने दो नॉट लगाए थे सेकंड रो में, सिक्स्थ में भी हम वन नॉट में टू नॉट्स लगाएंगे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सेफ्टी पिन निकाल देती हूँ मैं यहाँ से लास्ट वाले में से, और यहाँ पे जहाँ से मैंने शुरू करना है लास्ट वाला इस पर मैं सेफ्टी पिन लगा देती हूँ। तो इस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो अब देखिए हम इसमें बनाते हैं। एक नॉट में हमें दो नॉट लगानी है। फर्स्ट वाला हमारा ये है, इसमें हम टू टाइम्स नॉट लगाएंगे। वन, और इसी नॉट में दोबारा से नॉट लगानी है आपको टू। फिर नेक्स्ट वाला इसमें दो बार नॉट लगानी है सेम वन, और इसी नॉट में दोबारा से टू। फिर नेक्स्ट सेम वन, और इसी में दोबारा से टू। तो ये हमारी सिक्स्थ रो बननी शुरू हो गई। इसी तरीके से बनाते हुए इसे आप वापस आपको यहीं पे आना है जहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन लगाई थी, वहाँ तक मैंने इसे फिनिश कर लिया। अब सेफ्टी पिन को निकाल देती हूँ मैं इस तरीके से, यहाँ पे इसे लगा लीजिए। तो ये मेरी सिक्स्थ रो भी कंप्लीट हो गई। अब सेवन एट और नाइन, सेवन एट और नाइन तीन रो में हमें सिंगल नॉट लगानी है, और टेन में फिर से हमें सिंगल नॉट में डबल नॉट लगानी है। और यही मेथड फॉलो करते हुए आप जितना बड़ा इसे बनाना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। तो ये सिक्स्थ हो गई। अब सेवन एट और नाइन, फर्स्ट रो मैंने बनाई थी सिंगल, उसके बाद डबल दो बनाई थी, फिर वन टू थ्री नॉट मैंने सिंगल बनाई, फिर मैंने डबल बनाई, इसके बाद वन टू थ्री नॉट सिंगल बनानी है, उसके बाद डबल नॉट, फिर तीन सिंगल और डबल नॉट। ये और यही पैटर्न आपको फॉलो करते हुए इसे पूरा बड़ा जितना आप बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से बना सकते हैं।
तो अभी मैंने सिक्स्थ बना ली। सेवन्थ में अब मुझे सिंगल नॉट में सिंगल नॉट लगानी है, तो सिंगल में मैं सिंगल नॉट लगाऊंगी, ना ही कोई घटाना है और ना ही कोई बढ़ाना है। इसे आगे को इसी तरीके से ले जाते हुए सिंगल नॉट में सिंगल नॉट। सिंगल में सिंगल, तो ये मेरी सेवन्थ रो हो गई। एट भी आपको ऐसी बनानी है, नाइन भी ऐसी बनानी है। जब टेन रो में आप आएंगे तो आपको सिंगल नॉट में डबल नॉट बनाने। देखिए जैसे जैसे मैं बना रही हूँ मेरा कुछ इस तरीके से बन रहा है। मैंने ये वाली रो भी कंप्लीट कर ली। बस इसी तरीके से आगे जितना बड़ा आप बनाना चाहें उस तरीके से बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से दिखता है, फ्रंट साइड बैक साइड दोनों तरफ से सेम बनेगा और इसकी थिकनेस भी काफ़ी अच्छी बनती है। तो इस तरीके से इसमें जोड़ते रहिए और जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं इस तरीके से इसे हम बड़ा बनाते रहेंगे। तो बस इसी तरीके से हम इसमें आगे जो जो भी मेरे पास कलर्स हैं इसमें ज्वाइन कर करके मैं इसे पूरा बड़ा।